तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको रमज़ान मुबारक। तो अभी बज रहा है सुबह का 4 और मैं उठ गया हूँ। आज रमज़ान का फर्स्ट रोज़ा, तो अभी मैं उठा हूँ सहरी के लिए। तो अभी हम करेंगे सहरी। मम्मी ने खाना बना दिया है तो हम खाते हैं और उसके बाद रखते हैं रोज़ा। तो आज है यहाँ पर दूध रोटी और साथ में आलू की सब्ज़ी, इसे खाते हैं और करते हैं अपनी सहरी पूरी। तो जल्दी से खा लेते हैं। तो गाय सहरी कर ली है मैंने और अब पढ़ेंगे हम फजर की नमाज़। तो फजर की नमाज़ के बाद सोएंगे थोड़ा। तो गाय मैं सो के उठ चुका हूँ और आप जैसे कि देख सकते हैं शर्मिले की बकरी का बच्चा ले आई है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया था बकरी का बच्चा, घर के बाहर ही, तो शर्मिले से पकड़ के ले आई, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यही रहना, अभी कुछ लाती हूँ। तो यहाँ बन रही है इफ्तारी, जो कि मम्मी और शर्मा मिलकर बना रहे हैं। यहाँ बहुत सारे टाइप्स के भजिए बन रहे हैं, फ्रूट है और अलग अलग टाइप के चने हैं। और यहाँ पर मम्मी और भी कुछ बना रही हैं यहाँ पर। तो मम्मी को बनाने देते हैं जब तक, और टाइम भी होने वाला है इफ्तार का। तो रोज़ा खजूर खाकर ही खोला जाता है या फिर कुछ मीठा खाकर खोला जाता है। तो हम लोगों ने खजूर खाए, फिर पानी पिया, फिर जो भी है वो खाया। तो गाइस रोज़ा इफ्तारी हो गई है, हम लोगों ने रोज़ा इफ्तारी कर ली है और अब हम लोग पढ़ने जाएंगे। इसके बाद नमाज है, क्योंकि रमज़ान में हम लोग तरावियाँ पढ़ने जाते हैं, नमाज़ें पढ़ने जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। हर रमज़ान में ऐसे ही होता है। तो अभी हम लोग जाएंगे खाना वगैरह खाकर। तो गाइस अब मैं नमाज़ पढ़ कर आ गया हूँ और अभी बज रहा है 10 रात का। तो आज आपने पूरा देखना रमज़ान का रूटीन की कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है। सबसे पहले सुबह उठना पड़ता है जल्दी, और उसके बाद सहरी करते हैं, फिर उसके बाद दिन भर नमाज़ों में वक्त निकल जाता है, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और उसके बाद शाम को रोज़ा इफ्तार करते हैं, रात को नमाज़ पढ़ कर फिर घर लौटते हैं, तब जाके पूरा दिन ख़त्म होता है। तो आज का ब्लॉग कोई ट्रैवल ब्लॉग तो था नहीं, एक डेली ब्लॉग था। तो इसी तरह के ब्लॉग्स के लिए और ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ज़रूर जी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।